Actor Ali Asgar, who stepped out of popular entertainer The Kapil Sharma Show alongside Sunil Grover and Chandan Prabhakar earlier this year, says he left the show because of creative differences between him and ace comedian Kapil Sharma. Ali said in Mumbai on Monday at the screening of Hollywood film Despicable Me 3, in which he has dubbed for two characters. वो तो मिस करता ही हूँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है मैम, वो नॉट डैट के जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ फ्रेंकली, पर कभी कभी आपको कुछ ऐसे ऐसे मोड़ पे आप आ जाते हो जो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है. एंड आई मिस द शो, आई डेफिनेटली मिस दैट स्टेज, आई मिस दैट. वी हैव वर्क टुगेदर एंड इट्स अ टीम ग्रुप था, बिल्कुल सब कुछ था, पर ऐसा एक सिचुएशन आ गई जहाँ प्रोफेशनली एज अ करियर वाइज मुझे ऐसा लगा कि क्रिएटिव डिफरेंसेस पे मैं मूव आउट हुआ. मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मुझे क्रिएटिवली मुझे लगा कि नहीं, कैरेक्टर्स नॉट गोइंग एनीवेयर, वो स्टैग्नेंट है एंड उसमें इम्प्रूवमेंट कहीं ऐसे दिख नहीं रहा था, तो आई टुक अ स्टेप. एंड It was reported in April that Kapil allegedly assaulted and abused Sunil in an inebriated state while on a flight. Asked whether he has any grudges against Kapil, Ali said, "Bhai, ये creative difference पे हुआ है, हमारी थोड़ी कोई खानदानी दुश्मनी चल रही है या ऐसी कोई बात वो नहीं है कि अरे मैं आज के बाद नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये I've learnt lot of things from him, उसकी timing और सब कुछ. हम यू नो देर आर गुड मेमोरीज, ऐसी नहीं है कि कुछ बहुत झगड़ा हो गया या वो हो गया बात नहीं करेंगे. मैंने कहा क्रिएटिव डिफरेंस मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि नहीं, कैरेक्टर में ग्रोथ नहीं है कहीं पर, तो आई जस्ट मूव करूँ.